पंजाब सरकार की ओर से ट्रैक ऑपरेटर यूनियन को भंग करने के बाद पटियाला की अनाज मंडी में एक महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में पहुंचे लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वह आने वाले समय में अपना संघर्ष तेज करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के शाही शहर में आज पंजाब भर के ट्रक ऑपरेटरों का दबदबा रहा, क्योंकि ऑपरेटरों के अनुसार आज तक इस जगह पर इससे बड़ी रैली कभी नहीं हुई। ऑपरेटरों ने कहा कि सरकार ने नादरशाही फरमान जारी कर यूनियनों को भंग कर दिया, जिससे लगभग 4 लाख लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब भर 93,000 ट्रक है, जो पंजाब की विभिन्न 134 यूनियनों में काम करता है। प्रधान हैप्पी संधु के अनुसार सरकार को सत्ता में लाने के लिए अगर वह दिन रात कर सकते हैं, इसके खिलाफ भी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। उन्होंने अपनी मांग पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने जो ट्रक ऑपरेटर यूनियन भंग करके का फैसला लिया है, वह उन्हें वापस लेना होगा। उन्होंने साफ किया कि अगर सरकार अपना फैसला नहीं मानती तो वह लोगों के संघर्ष का सामना करने को तैयार रहे। मेरा नाम कुलतरन वाला, मैं चेयरमैन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का, जो कि हिंदुस्तान की सब तो बड़ी एसोसीएशन हैगी है। करोड़ों ट्रक साढ़े नाल जुड़िया हुआ है। जो पंजाब सरकार ने फैसला किया है पंजाब दी यूनियन भंग करन दा, असीं उहदा विरोध करते हैं। और इस दुख की कड़ी, इस लड़ाई की कड़ी असीं पूरी पंजाब ट्रक यूनियन के नाल खड़े हैं। पूरे हिंदुस्तान का ऑपरेटर इन्हां दे नाल हैगा, क्योंकि 4 लाख कार इन्होंने रोजगार किए हैं, लगभग 90,000 ट्रक इन्होंने बिल्कुल खत्म करता। असीं इस चीज़ का विरोध करते हैं और पूरा सपोर्ट करांगे पंजाब ट्रक यूनियन का। जो भी पंजाब ट्रक यूनियन अगे का जो अपनी नीति बनाएगी, अपना स्टैंड लेगी, असीं उहदी सपोर्ट करांगे, चाहे लीगली तौर पर करे, चाहे धरना प्रदर्शन से करे। और ये वास्ते अगर दिल्ली भी सानू घराव करना पिया सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, अपने डिमांडों को मनाने वास्ते जो कि साडे जायज डिमांडा है, असीं वो भी करांगे। की डिमांड आ कि जिहड़ियां पंजाब दी सरकार ने फैसला लिया आ कि ट्रक यूनियन भंग करन दा, वह फैसला वापस लिया जाए, क्योंकि इस गल नूं लै के पंजाब दे 93,000 ट्रकां ऑपरेटरां विच भारी रोस आ। अज दा ठाठा मारदा कट्ठ 50,000 तो जिहड़े उत्ते लोग इत्थे पहुंचे आ, जिहड़े रास्ते जाम लगे, रास्ते च फसे आ रोकण दे बावजूद भी, पर यह जिहड़े लोग आए ने ये अपने पेट की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि उन्हां दे हालात यह बन गए आ कि जे ट्रक यूनियन तोड़ दी गई तो बेचारे परिवार भुखे मन गए और खुदकुशियां करने मजबूर होना पेगा उन्होंने साढ़े, क्योंकि जोड़े ट्रक ने इन के उ लखा के कार्ज ने जोड़े 25-25 लाख रुपए के एक ट्रक के कार्ज आ, वो गल का फैसला सरकार को करना पेगा कि इन के कार्ज जोड़े आने तारने कि माफ करने की करना आ, इन की हित की राखी करनी चाहिए, सरकार का फर्ज बनता। आजाद टीवी न्यूज के लिए पंजाब से ब्यूरो रिपोर्ट।